ये देखो यही रीजन है जो उधर वाला भी पेनुकोंडा भी ब्लॉक हुआ। अभी यहाँ पे साफ है कि भाई वॉक करके जाना है, उधर से ऊपर से ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, देन दे आर गोइंग। यही वाली रीजन की वजह से हर जगह से बाइकर्स को ब्लॉक कर देते हैं। कुछ नहीं कर सकते भाई, अच्छा हुआ आज आगे, वैसे अगली बार न्यूज में यही आएगा कि ये भी बंद है जगह। यहाँ पे है बहुत सही ब्यूटीफुल लोकेशन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। कैलाशगिरी जैसे ही लग रहा है, कैलाशगिरी से इवन बेटर लग रहा है, कैलाशगिरी एक ही रेंज है बस वो। यहाँ पे देखो वहाँ ऊपर टेंपल बना हुआ है, अब इतनी तो भाई स्टेमिना है नहीं कि वहाँ पे जाएंगे। ये देखो जब हम लोग राइड पूरा हो जाता है ना तब ऐसे बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो है टेंपल भी बना हुआ है यहाँ पे अच्छा सा, और इधर से ट्रेल करके मतलब अपना पैदल चल के जा सकते हो वहाँ ऊपर तक। ये भाई अपना फेवरेट है स्वीट पोंगल मेड ऑफ राइस एंड जैगरी। मौसम ना अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी धूप भी अच्छी लग रही है, सन भी अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ी देर का ही है बस, 10 बजे के बाद झिलाएगा ये वाला सूरज। ऑल राइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, और आज आप लोगों का दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं दोबारा से, थोड़ा सा यूट्यूब से मैंने गैप ले लिया था। सीन ये था कि थोड़ा सा अपने को पर्सनल टाइम भी दे रहे थे, बहुत टाइम से वीडियोस डाल रहा हूँ, एंड यूट्यूब पे आई गेस रफली अराउंड 300 वीडियोस हो चुकी है मेरी। तो अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं जाके देखा है तो जाके देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया जो आप लोगों का रोड ट्रिप्स है वो की है मैंने। अभी क्या सीन है, हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो फ्लाईओवर है वो ज्वाइन कर गए हैं। अब आप लोगों को यहाँ से जा रहे हैं, जो लोग क्लोज टू बैंगलोर रहते हैं उनको पता लग गया होगा कि हम लोग किस साइड में जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी सारी जगह हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाली हैं। हम लोग काफ़ी टाइम मतलब नॉर्थ बैंगलोर साइड में जाते रहते हैं, बट इधर पे ना बहुत सही डेस्टिनेशन है। डिस्टेंस रहेगा समवेयर अराउंड 160 किलोमीटर, मेरे घर से दिखा रहा था 173 कुछ, और यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा 20-30 किलोमीटर और कम कर दो, 150 के अराउंड मान के चलो। तो यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे मुरुगन इडली। मुरुगन इडली अगर आप लोगों ने काफ़ी टाइम पिछले व्लॉग्स में देखा होगा ना कि हम लोग कभी ब्रेकफास्ट राइड जाते हैं तो मुरुगन इडली तक जाते हैं, तो वहाँ पे पहले जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, देन उसके बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम लोग आगे जाके जो अपना येलागिरी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर कवर करेंगे। अब ये जो आप लोगों को फ्लाईओवर दिखा रहा हूँ ना, मैं यहीं से ना मैंने अपना जो है बेंगलोर का जर्नी शुरू किया था, मतलब बेसिकली यहाँ से मैं अप डाउन करता था ऑफिस के लिए जब स्टार्टिंग में मैंने बैंगलोर में जॉब ज्वाइन किया था। एक सिटी में जब ग्रो करो ना तब आपको पता लगता है कि आप किधर से किस लेवल से किस लेवल तक आ गए हो। ज्ञान वाली बातें हैं वैसे ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती है, बट कहना यही चाहूँगा कि मेहनत करते चलो बस, आप लोग जो भी ड्रीम कर रहे हो वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। तो आई एम स्पेशली इनटू बाइक्स, तो अपने को बाइक्स ज़्यादा पसंद है, तो उसी हिसाब से मेरी ड्रीम सेट है। आप अगर कुछ भी और करते हो तो उसके हिसाब से आपका ड्रीम या गोल्स जो होंगे वो तो आप अचीव करोगे ही। इसी तरीके से यहाँ से अभी हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी टोल मीटर पॉइंट पे। मीटर पॉइंट में अपने भाई बंधु वेट कर रहे हैं। आज काफ़ी सारे ना बाइकर्स हैं, अराउंड 14 बाइकर्स हैं, आधे शायद मुरुगन इडली तक जाएंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा ना फैमिली वाला जो हो गया है, वैसे तो हम लोग घूमते रहते हैं, घर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे। अभी यहाँ से पहुँचते हैं मीटर पॉइंट में, मीटर पॉइंट से क्लब करके देन उसके बाद में हम लोग निकलेंगे आगे। भाई साहब फॉग देखो यार, फॉग जबरदस्त हो रखा है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी धूप भी अच्छी लग रही है, सन भी अच्छा लग रहा है, बट ये थोड़ी देर का ही है बस, 10 बजे के बाद झिलाएगा ये वाला सूरज अभी, क्योंकि बैंगलोर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती जा रही है। बट जब तक वेदर अच्छा है तब तक इंजॉय करो, और यहाँ से आप लोग कन्याकुमारी भी जा सकते हो डायरेक्टली सीधा, बट जो दूसरा रास्ता है चेन्नई के लिए वो मुड़ जाता है। बट अभी देर इज वन मोर एक्सप्रेस वे कमिंग सून जो कि अभी बीच में आने वाला है, होस्टकोटे और तमिलनाडु वाला ये जो रोड है इसके बीच में कहीं पे एक्सप्रेस वे बन रहा है, होपफुली वो 2025 तक कम्प्लीट होएगा बोल रहे हैं। बट वो मस्त रहेगा यार, वो सुपर एकदम, बट वो कार के लिए रहेगा, अफसोस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को मिल ही नहीं रहा भाई बाइक चलाने के लिए कहीं पे भी। अब
देखो यहाँ पे भी ना जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से पहाड़ियाँ हैं वो पड़ जाती हैं। आई बिलीव कि यहाँ पे भी ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा सा जो भी है ट्रेल व्रेल तो होएगा, एक बार एक्सप्लोर जरूर करेंगे इस साइड में भी आके। अभी तक तो नहीं गए बट यहाँ पे काफी ना बड़ा बड़ा पत्थर है, बट कोई तो रास्ता होएगा ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ छोटी है आपको दिखेंगी ना वहाँ पे ऊपर जरूर टेम्पल बना होता है, तो वो चीज़ अच्छी है। जैसे आप लोग कैलाशगिरी है ना, कैलाशगिरी भी गए हैं, वो वाला अगर आप लोग ब्लॉग नहीं देखा जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे भी गए हैं, उसी टाइप से ट्रेल था। अच्छा ये तो काफ़ी छोटा है बट डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है। ये वाला पैच इतना बढ़िया लगता है ना यहाँ पे, आसपास थोड़ी छोटी छोटी सी पहाड़ी है ना, ये वाला थोड़ा सा मनाली वाला फील दे देता है। ये देखो कई लोग वापस भी जा रहे हैं भाई, लाइट लगा के सही लगता है बट अपने को समझ में नहीं आ रहा भी इतना स्पेंड करना चाहिए कि नहीं। लाइट्स लगवानी है क्योंकि विजिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि नाइट में कभी भी राइट पे निकलो ना इसका लाइट इतना इनफ नहीं है, ऑक्स लाइट कहने के लिए बट उतना भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो एक बार अगर लग जाएगा लाइट्स तो उसके बाद भी थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर हो जाएगा। अब ये वाला जो पहाड़ी है ना इसके आते ही पता लग गया था भाई मुरुगन आ गया इस साइड में, इसे इधर बोल रहा था ये बोर्ड नहीं दिखता सही से, बट जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं ना उनको पता है। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, यहाँ पे मज़ा आता है भाई ब्रेकफास्ट करके। भाई बंधु अपने सारे पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग बहुत सही टाइम पे 7:30-8 ही हुआ है, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, बट ओ तेरी इतने सारे सही है। तो यहाँ पे अपना पूरा बाइक का लाइनअप है, इधर साइड में पूरी बाइक्स पार्क्ड हैं। ये वाली जो है ये शॉप है मुरुगन इडली, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे, अच्छा खासा पार्किंग वार्किंग वाला एरिया, कभी रोड ट्रिप पे निकलते हैं ना तो यहाँ पे हम लोग अक्सर करके रुकते हैं। आई गेस अवर ग्रुप इज़ ऑन दैट साइड, अभी जाके ट्रैफिक नहीं है, कम्प्लीट करते हैं ब्रेकफास्ट अपना। ये भाई अपना फेवरेट है स्वीट पोंगल मेड ऑफ राइस एंड जैगरी, मज़ेदार है। This is Pudi Idli. The sweet pongal nahi hai kya? Sweet pongal hai. Haan. Okay then. Yeah, this is sweet pongal na. Oh, this is halwa. But they have changed it. Sir, amul ko. Haan. Haan, uttapam bekondo. Wow. बढ़िया लग रहा है। एक ये अच्छा लगता है, इसमें भी पूरी इडली रहता है और इसमें भी वो पूरी पाउडर पड़ा रहता है ना, मस्त। सो ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स मलप्पा कोंडा। अरे वाह, और थोड़ा सा पीछे। सही पॉइंट है ना, मजा है, ये कैलाशगिरी वाले जैसा लग रहा है ना। हाँ। इधर ऊपर जाते फिर थोड़ा सा और ऊपर जाने का। हाँ। मेरे को लगा उधर पॉइंट तक बाइक लेके जाना अलाउड रहेगा। फोटो सेशन चल रहा है। I thought today I'll go, I'll register. He is like 700 plus. Wow. 700.
तो यहाँ पे है, बहुत सही ब्यूटीफुल लोकेशन। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे, कैलाशगिरी जैसा ही लग रहा है, कैलाशगिरी से इवन बेटर लग रहा है, कैलाशगिरी एक ही रेंज है बस वो। यहाँ पे देखो वहाँ ऊपर टेंपल बना हुआ है, अब इतनी तो भाई स्टेमिना है नहीं कि वहाँ पे जाएंगे, बट लोकेशन बहुत सही है। यहाँ पे देखो कुलवंत यहाँ पे खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, थोड़ा सा देख के वो कहेंगे वो ट्रेल है, तुम उसके कैसे कंपेयर करो भाई। ये देखो यहाँ पे टेम्पल भी है, बहुत बढ़िया। और इधर से ट्रेल करके मतलब अपना पैदल चल के जा सकते हो वहाँ ऊपर तक, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। ये देखो जब हम लोग का राइड पूरा हो जाता है ना तब ऐसे बुलाते हैं। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? छाँव में आके मजा आ जाता है, गर्मी हो रही है अभी वापस आते टाइम पता लगेगा। ये देखो छोटा मोटा स्टोर भी है यहाँ पे, वो क्या बेच रहा है? अच्छा नमकीन, हाँ अच्छा कट हो जाएगा। ये देखो यही रीजन है जो उधर वाला भी पेनुकोंडा भी ब्लॉक हुआ। अभी यहाँ पे साफ है कि भाई वॉक करके जाना है, उधर से ऊपर से ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, देन दे आर गोइंग। अब ये रीजन की वजह से ना, यही वाली रीजन की वजह से हर जगह से बाइकर्स को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ नहीं कर सकते भाई। अच्छा हुआ आज आगे, वैसे अगली बार न्यूज़ में यही आएगा कि ये भी बंद है जगह। सो गाइस आज का राइड बहुत अमेजिंग था, मज़ा आ गया यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से दूसरा रूट ले रहे हैं कोलार वाला, एंड उधर से देन विल जॉइन द होस्कोटे टोल, वहाँ से हम लोगों को ईजी पड़ेगा। तो अभी देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे वाला रोड एक्सप्लोर, वो देखो भाई, हाँ 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 क्या बात है, रेस लग गई। चलो तो ये थी प्लेस, आ सकते हो कभी वीकेंड पे, अच्छी है जगह, बट ऐसा मत करना कि बाइकर्स अलाउ नहीं हो पाए नेक्स्ट टाइम से। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चलो कौन सा हाँ, एक इधर साइड में एक इधर नीचे, वो पतला वाला यूज़ करता हूँ सेना का।